गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है एक एक कदम सफलता की ओर अग्रसर है। आज हम लोग जो है कैलेंडर में जो बचा हुआ भाग है, पूरा जितना भी कैलेंडर का शेष पार्ट बचा हुआ है, वो सारा आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको जो है बताएंगे कि जो आपका ये सूत्र है, अर्थात 144, 025, 036, 146 या फिर 034, 025, 036, 146, ये जो दोनों कोड है, ये कोड बना कैसे, कैसे जो है इसको रटना बंद करें, हम समझेंगे कैसे, ये चीज हम आपको आज बताएंगे। और साथ ही आज जो है कैलेंडर का जितना भी बचा हुआ भाग है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे विषम दिन निकालना। आखिर जो ये हेर फेर होता है, जो ये दिनों का हेर फेर होता है, मतलब कि अगर जनवरी जो है सोमवार से शुरू हुई है तो फरवरी किसी और दिन से शुरू होता है, मार्च किसी और दिन से शुरू होता है, अप्रैल किसी और दिन से शुरू होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ये अलग अलग दिन से शुरू होता है, ये अगर जो है सेम डेट पे शुरू होना चाहिए तो आखिर ये इधर उधर क्यों होता है। हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि 7 दिन होते हैं हमारे पास। 7 दिन का मतलब होता है संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हमारे पास 7 दिन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाता है। मतलब कि अगर आज 1 तारीख है और आज अगर सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद फिर से सोमवार भी होगा। पूछिए क्यों? तो क्योंकि अगर आज 1 तारीख है और 1 तारीख को अगर संडे अगर हम मान ले तो 2 को मंडे हो जाएगा, 3 को ट्यूजडे, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे, 6 को फ्राइडे और 7 को सैटरडे। उसके बाद फिर से यानी 7 दिन बाद यानी कितनी तारीख, 8 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 7 दिन बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है। 7 दिन के बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो है 7 दिन का महीना होता, अगर महीना 7 दिन का होता तो हर महीना एक ही दिन को शुरू होता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो चूंकि हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे कि फरवरी में ही 28 दिन क्यों होते हैं, फरवरी में ही 29 दिन क्यों होते हैं, ये चीज हम चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में अपने, अगर उसको आप नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरा बताया है कि आखिर जो ये हमारा 28 और 29 का जो घेर मेल है ये फरवरी में ही क्यों है, इसको हमने बताया था। तो चलिए आज हम निकालते हैं विषम दिन किसे कहते हैं। तो जैसे हमको ये पता है कि महीने के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर ना, महीने के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही हमारा कहलाता है विषम दिन, वही हमारा कहलाता है विषम दिन। ठीक, यानी कि अगर महीना आपका 30 का है, महीना कितने का है, महीना अगर 30 का है और कोई पूछे विषम दिन तो 7 चौक 28, 2, यानी कि विषम दिन कितना हो गया, विषम दिन हो गया आपके पास 2। अगर महीना 31 का है, अगर महीना 31 का है तो विषम दिन कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 3 31। अगर महीना 28 का है तो 28 का मतलब कि 28 भागे 7, 7 चौक 28 खत्म, अर्थात विषम दिन इसमें एक भी नहीं है। तो याद रखिएगा जो विषम दिन आपका निकलता है वो 7 से भाग देने के बाद जो हमारे पास शेष बचता है वही हमारा विषम दिन रहता है। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं कि आखिर ये बना कैसे,
इसमें हमने ये बताया कि ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। ये आपका सामान्य वर्ष के लिए है, ये आपका सामान्य वर्ष के लिए है और ये आपका लीप वर्ष के लिए। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो सूत्र बना, ये सूत्र कैसे बना। रटना बंद करिए और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीज नहीं बताया जाएगा कि आखिर ये सूत्र बना कैसे है। सब केवल यही दे देंगे कि यही कोड याद कर लीजिए, कोड याद कर लीजिए, कोड याद कर लीजिए। आखिर कोई ये तो बताइए कोड बना कैसे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि ये कोड बना कैसे है। तो अभी अभी हमने विषम दिन निकालना सीखा। इसमें केवल एक चीज मानना पड़ेगा आपका, मानना क्या पड़ेगा कि जनवरी एक, जनवरी को आपको एक मानना है, बस केवल एक चीज मानना है। जनवरी को एक मानना है सामान्य वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए जनवरी को जीरो मानना है, बस। अब जनवरी को एक माने, अगर हम फरवरी में चले, जनवरी से अगर हम फरवरी में चले तो देखिए जनवरी में जनवरी हमारी कितने की है, 31 की है। जनवरी कितने की है, 31 की होती है। और 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 8 3 11, अर्थात 3 दिन शेष मिल गया आपको। अर्थात जो विषम दिन है, विषम दिन हमारे पास कितना है, 3 है। विषम दिन 3 है और यहां 1 है ही है, तो अर्थात 3 और 1 4, तो यही हो गया 1 और 4। उसके बाद फरवरी में जब चलेंगे तो फरवरी हमारी सामान्य वर्ष अगर है, सामान्य वर्ष के लिए फरवरी 28 की रहती है और 28 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28 अर्थात 0, तो जब 4 में 0 जो 0 जोड़ेंगे तो तब भी हमको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। फिर अगर हम मार्च में चलते हैं तो मार्च हमारा कितने का रहेगा बताइए, मार्च हमारा ठीक 31 का, मार्च भी 31 का ही रहेगा ना, जून नवंबर जान लिया, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31, तो मार्च भी 31 का है, तो 7 से भाग देंगे तो आपको शेष कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, शेष आपको 3 मिलेगा। यहां 4 है और 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन जब 7 आ गया तो ये आपका विषम दिन अब एक भी नहीं बचा, अर्थात यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया 0। इसी तरह जो है, इसी तरह आगे होता चला जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कोड बना कैसे। अगर समझ में आ गया हो तो ईमानदारी से एक बार वीडियो शेयर करिए। आपकी क्लासेस में मानता हूं कि इस समय रेगुलरली नहीं चल पा रही है, लेकिन इसके पीछे आप ही लोग हैं। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मैं वादा करता हूं कि जो चीज मैं आपको बता दूंगा शायद ही वो चीज आपको कहीं पर मिले। तो ये चीज था, ऐसे ही आपका ये कोड बना है। सब कहते हैं कोड याद कर लीजिए, लेकिन हमने बता दिया कि आखिर ये कोड निकला कहां से, इस कोड का निर्माण कहां से हुआ। तो चलिए आज हम उसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। जैसे कहते हैं कि समान मंत्र, समान मंत्र का मतलब कि अगर जनवरी सोमवार से आपकी शुरू हुई है तो कौन सा दिन, कौन सा महीना ऐसा रहेगा जो सोमवार से शुरू होगा। तो केवल आपको यही कोड याद रखना है, कौन सा, अगर आप सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं, सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं, 144, 025, 036, 146, ये आपका हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक और एक, यानी कि जनवरी, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर एक समान होंगे, जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर एक समान होंगे, याद रखिएगा। उसी तरह फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर के कैलेंडर एक समान होंगे। जो कैलेंडर आप फरवरी में यूज करेंगे वो कैलेंडर आप मार्च में यूज कर सकते हैं, वही कैलेंडर आप नवंबर में भी यूज कर सकते हैं। फिर वही अगर आगे बात करें तो
आपका अप्रैल, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर एक समान होंगे। फिर देखिए आपका मई जून और अगस्त ये तीन कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। मई जून और अगस्त ये तीन कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है, चार विकल्प दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कैलेंडर ऐसा है कि जो रिपीट होता है, निम्न में से किस महीने का कैलेंडर ऐसा है जो रिपीट होता है। तो आप इन तीन को छोड़कर चौथा जो ऑप्शन रहेगा वही आपका सही हो जाएगा। फिर वही अगर हम आगे बात करें तो देखिए सितंबर और दिसंबर के कैलेंडर एक समान होते हैं। तो हमने देखा यहां पे मैं बना देता हूं, हमने देखा कि जनवरी का अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक समान रहता है। वहीं अगर हम बात करें तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक समान रहता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो सितंबर और दिसंबर के कैलेंडर एक समान होते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया कि किस महीने के कैलेंडर बराबर होते हैं। कहीं भी आपको समस्या हो कमेंट करिएगा, जरूर बताएंगे। अब एक चीज और जान लीजिए इसी कोड से डायरेक्ट निकालने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछ ले कि एक सामान्य वर्ष में 4 जनवरी को सोमवार है तो 4 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 4 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, यहां पे कुछ भी दिया जा सकता है। सामान्य वर्ष का मतलब यह है कि जो आपका 4 से न कटे या फिर जो आपका 400 से न कटे, वही आपका सामान्य वर्ष है। तो कह रहा है कि 4 जनवरी को सोमवार है, अर्थात हमको बताया गया कि 4 जनवरी को सोमवार है। पूछ रहा है 4 जनवरी को जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जुलाई ये है, तो यहां पर 1 है और 1 से 0 हो रहा है, अर्थात एक दिन पीछे जनवरी का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर से एक दिन आगे है और जुलाई का कैलेंडर जनवरी के कैलेंडर से एक दिन पीछे है। मतलब कि अगर 4 जनवरी को सोमवार है तो 4 जुलाई को आपका कौन सा दिन होगा, 4 जुलाई को आपका रविवार होगा। कैसे किया हमने, केवल आप ये देखिए कि यहां पर 1 है यहां पर 0 है, मतलब जो दिन है आपका एक दिन पीछे हो जा रहा है। और एक दिन पीछे होने का मतलब ये हुआ कि जो सोमवार था वो क्या हो गया, रविवार। वही अगर प्रश्न यही रहता कि 4 जनवरी को सोमवार है तो 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तब भी आप ऐसे ही करेंगे कि चूंकि एक दिन पीछे चल रहा था आपका, तो 4 जनवरी को अगर सोमवार है तो 4 जुलाई को आपका कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। और 4 जुलाई को आपका रविवार हो गया तो 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा, इसी में 7 जोड़िए तो 11 जुलाई को आपका रविवार होगा, 11 में 7 जोड़िए तो 18 जुलाई को आपका रविवार होगा, और 18 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 18 को रविवार तो 19 को सोमवार, और 20 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए, बताइए कहां पर दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। चलिए हम कोई और डेट लेकर देखते हैं।
कोई और डेट लेकर देखते हैं, अगर कह दिया जाए कि 10 मार्च, 10 मार्च को शुक्रवार है, 10 मार्च को शुक्रवार है, तो 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो चलिए हम देखते हैं मार्च और दिसंबर के कैलेंडर को। तो मार्च और दिसंबर के कैलेंडर को देखेंगे तो मार्च में आपका 4 है और दिसंबर में 6 है, अर्थात 2 दिन आपका आगे बढ़ गया। जो कैलेंडर है वो क्या हुआ, 2 दिन आगे है। जो दिसंबर का कैलेंडर है वो मार्च के कैलेंडर से 2 दिन आगे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे है, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे यानी कि शनिवार और रविवार, यानी कि 10 दिसंबर को रविवार है, और जब 10 दिसंबर को रविवार है तो 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 9 दिसंबर को होगा आपका शनिवार। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए, ठीक। तो ये चीज है, तो इस तरह से हम जो है किसी भी दिन की किसी भी तारीख को निकाल सकते। इसके आगे देखिए थोड़ा सा, एक जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि इसका प्रयोग कहां करते हैं, और हमने एक चीज और बताया था कि ये अभी पूरा नहीं है, तो उसका जो आधा भाग है वो हम आगे चर्चा करते हैं। उसके आधे भाग में क्या था कि अगर आपका 1900 है, वर्ष 1900 है, तो उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। अगर आपका वर्ष 2000 है तो उसमें हम +6 कर देंगे। अगर आपका वर्ष 2100 है तो उसमें हम +4 कर देंगे। अगर वर्ष आपका 2200 है तो फिर हम +2 कर देंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपका वर्ष 2300 है तो फिर से आपका कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक शताब्दी में आपको केवल यही इतना याद रखना पड़ेगा। वैसे तो मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं वो इससे दोनों से बन जाएंगे, कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि 27 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, 27 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, इसमें हमने आपको बताया था कि जो डेट लिखी है आप वो लिखिए, प्लस दिसंबर अगर है तो दिसंबर का जो कोड है आप वो लिखिए, उसके बाद लास्ट का जो दो डिजिट है उसको लिखिए, फिर लास्ट के दो डिजिट को आप 4 से भाग कीजिए, 4×5=20, जितनी बार पूरा कट जाए आप वो लिखिए। लिखने के बाद सारा जोड़ दीजिए, 5×2=7, 7×6=13, 13×6=12, 13×14=15, 5×20 की 0, 7×2=2, 4×2=6, 60 आ गया। उसके बाद देखिए अगर 2000 का रहेगा तो 2000 वाले में हम +6 और कर देंगे, अर्थात हमारे पास आ गया 66। अब इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो 7×63 और 63 और 3 66, इसका मतलब कि 3 आपके पास शेष बचा, और 3 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार। इसका मतलब कि 27 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो 27 दिसंबर 2022 को आपका कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो याद रखिएगा जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उसका पूरा भाग ये है जो हमने अभी बताया, ठीक। तो मिलते हैं आगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक क्या होगा जल्द ही आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।